पानी या कोई भी लिक्विड है तो वो उसके मॉलिक्यूल से बना है जैसे पानी है तो वो एच टू ओ मॉलिक्यूल से बना हुआ है इसमें एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं जो कि बल्क में है यानी पानी के पूरी तरह से अंदर घिरा हुआ है पानी से ठीक है और कोई दूसरा मॉलिक्यूल है जो पानी के सरफेस पर है ठीक है यानी कि सतह के ऊपर है अब क्या फर्क होता है इन दोनों में वो देखते हैं जो मॉलिक्यूल बल्क में है उसके आसपास सब तरफ पानी के दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स क्या करते है? इसके इंटर हैं इसके ऊपर फोर्स इंटरमोलिकुल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को बांध के रखता है, है और ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पानी को स्टेबल बनाता है ओके इस कंपाउंड को या इस बल्क को स्टेबल बनाता है और इस वजह से आ, ये जो मॉलिक्यूल है जो पानी के बिल्कुल अंदर में है और उसके आसपास सब तरफ मॉलिक्यूल्स हैं तो इसकी वजह से इसकी नेगेटिव पोटेंशियल जी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल सरफेस पे सतह वाले एच टू ओ के कंपैरिजन में अंदर वाले की नेगेटिव पोटेंशियल जी ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल जी होती है रीजन क्योंकि जो सतह सरफेस पे है उसके ऊपर केवल उसके सतह के नीचे सरफेस के नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ही आधे संख्या में मॉलिक्यूल्स ही इसके ऊपर इंटरमोलिक्युलर फोर्स लगा रहे हैं और इस वजह से सरफेस वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी लेस नेगेटिव होती है ठीक है और इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा मोलिक्यूल से बाउंड है जबकि इसको कम ही बाइंड कर रहे हैं तो अगर आपको इस अंदर वाले मॉलिक्यूल को पानी से बाहर निकाल के लाना है तो आपको उस हिसाब से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जब क्योंकि एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी क्योंकि ये स्टेबल है स्टेबल है इसको बाइंड करके रख रखा है इसके आसपास के मॉलिक्यूल्स ने तो आपको अगर इस, इसको इस बॉन्ड से निकालना है हटाना है इस स्टेट से हटाना है बाहर निकालना है तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा एनर्जी देनी पड़ेगी और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी इसकी बॉन्डिंग की नेगेटिव पोटेंशियल इस पर्टिकुलर स्टेट में ठीक है लेकिन सतह वाला सरफेस वाला मॉलिक्यूल तो कम बाउंड है कम मॉलिक्यूल उसको खींच रहे हैं या बाइंड करके रख रहे हैं इसलिए इस केस में एनर्जी कम देनी पड़ेगी लगभग आधी होती है लेस नेगेटिव पोटेंशियल जी इसकी होती है ठीक है और इसी वजह से जो लिक्विड की सरफेस होती है

हमेशा लिक्विड सरफेस की टेंडेंसी होती है कम से कम एरिया जगह ऑक्यूपाई करे ठीक है अच्छा जैसे कि मैंने बताया सरफेस के साथ एक्स्ट्रा एनर्जी एसोसिएटेड होती है और इसीलिए अगर आप सरफेस को बढ़ाना चाहते हैं या सरफेस का एरिया स्ट्रेच करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी वॉल्यूम फिक्स रख के एरिया बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा या एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी और इसी प्रॉपर्टी की वजह से सरफेस टेंशन का फिनोमेना होता है सरफेस टेंशन क्या है ये है कि वही जो मैंने बताया टेंडेंसी लिक्विड सरफेस की कि वो कम से कम सरफेस एरिया बनाकर रखें आपने देखा होगा पानी की बूंदें नेचुरली होती हैं पत्ते पे गिरती हैं तो स्फेरिकल शेप ले लेती हैं तो उसकी बाहर की सरफेस हमेशा स्फेरिकल रहने की कोशिश करती है गोलाकार क्यों क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है सो so, हर की कोशिश रहती है मिनिमम सर्फेस एनर्जी बनाकर रखने की क्योंकि अगर वो सर्फेस मिनिमम सर्फेस एरिया बनाकर रखने की क्योंकि अगर वो सर्फेस एरिया बढ़ाएगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी ओके क्योंकि सर्फेस की एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और सर्फेस टेंशन की वजह से ही एक लिक्विड की बाहरी सरफेस आउटर सरफेस एक स्ट्रेच्ड की तरह बिहेव करती है स्ट्रेच में का मतलब जैसे तनी हुई झिल्ली होती है जैसे कि रबड़ की तनी हुई झिल्ली हो उस तरह से बिहेव करती है तो आपने कभी देखा होगा एक छोटा सा कीड़ा जिसका मास बहुत कम है वो पानी में डूबता नहीं है आराम से उसके ऊपर सरफेस पे चल लेता है जब तक बहुत ज्यादा उसके ऊपर पुश नहीं हो या फिर एक सुई है जो बारीक सी सुई होती है उसका मास बहुत कम होता है वो भी पानी के ऊपर तैरती रहती है अंदर नहीं डूबती जबकि सुई के मटेरियल की डेंसिटी तो बहुत ज्यादा होती है तो ये सारी वजह है क्योंकि जो लिक्विड सरफेस है, वो बिहेव कर रही है एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, वो भी सरफेस टेंशन के कारण ही और सरफेस टेंशन है इस एक्स्ट्रा एडिशनल सरफेस एनर्जी की वजह से दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब